ये है केरला के एक सुंदर से बीच टाउन पूवर। पूवर इज अ ब्यूटी ब्लेंडेड विद सी, रिवर, बैकवाटर्स एंड ग्रीनरी ऑल अराउंड, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय व्यूअर्स। ये है पूवर के गोल्डन सैंड बीच। पूवर में बैकवाटर्स राइड बहुत ही एक्साइटिंग है, तो चलिए मेरे साथ आप लोग पूवर देखिए। So we are on our way to Poover. Poover जाके हम लोग backwaters देखेंगे और golden sand beach visit करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने resort जो book किया है मैंने make my trip से वहाँ पे check in करेंगे। तो video के साथ बने रहिए। तो हम लोग आज वर्कला से Poover जा रहे हैं। वर्कला से Poover का distance almost 70 kilometers है। आप लोग वर्कला बाय रोड आ सकते हैं और वर्कला में रेलवे स्टेशन भी है। हम लोग रास्ते में नारियल पानी पीने रुके। अगर केरला आके नारियल पानी ही ना पिए तो केरला ट्रिप अधूरा रह जाता। प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो नारियल पानी पीने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े। हम लोग विजिंजम में खाना खाने रुके। इस होटल में वैरायटीज ऑफ फिश अवेलेबल है। ये देखिए वॉल में फिशिंग की पेंटिंग। And this one? Tuna. Tuna. Oh, this one. Tuna. Here. Okay. Here. So many types of. This one what? Bangra. Bangra. And that one? That one? Masala. Masala. Okay. Some small fish. Not really. Huh? Enjoy. Which one? This one. केरला राइस। तो यहाँ पे मैंने होटल्स में देखा है कि ऐसे फिश कड़ी रखा जाता है, फिश कड़ी विथ ड्रमस्टिक। ये नाम लेमन, अच्छा पंपकिन एंड कोकोनट। और फिश और स्क्विड डीजे और प्रॉन्स। सो विल टेस्ट सम स्क्विड फर्स्ट टाइम। Prawns masala. So here there is rice water. यहाँ पे जग्स में राइस वाटर, जग्स में राइस वाटर दिया गया है। तो दिस इज किंग फिश एग। किंग फिश एग
ओके आलू टेस्ट कोवलम। आप लोग अगर कोवलम आते हैं तो यहाँ का फिश ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें तो बहुत बहुत पसंद आया, वेरी टेस्टी। तो अभी जो होटल में हमने खाया ये एग्जैक्टली कोवलम नहीं है, ये बिरिंजम है, ये इस एरिया को बिरिंजम बोलते हैं। तो प्राइस भी बहुत रिजनेबल था और बहुत टेस्टी खाना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। हम पूवर पहुंच गए और यहाँ के बैकवाटर्स एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ से बोट हायर करेंगे और ये हमें समझाएंगे कि बोट राइड में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। Very first spot will be sir, Nayar River's main river stream. Okay. Just 10 minutes away from here. Mm-hmm. And after that, we'll take you to Indian canal. In this canal, you'll get to see poisonous mango, wild pineapple, flower trees, such kinds of plants and trees. And mangroves also. Mm-hmm. Only these size of boats can actually travel from that place, that much narrow it is. Mm-hmm. So, it will take around half an hour inside this forest area. Mm-hmm. And once we cover the whole forest area, we'll come outside, we'll see coconut island, that mangrove island, floating cottages. And then after that, in between, if you're hungry, you can even opt for floating restaurant. Mm-hmm. If you go there, you will get additional time for that. Elephant rock is there, seashell statue is there. The statue is made up of seashells. Okay. And then we will show you estuary point, the meeting point. The picture is not clear over here, okay. It's faded. But you can understand the river meeting in the sea, you can see that point. And then finally, we'll take you to the Golden Sand Beach. Mm-hmm. The river and sea. Mm-hmm. This is river, this is Arabian Sea, between is the Golden Sand. So, you can spend some time over there and finally we'll bring you back over there. Okay. So all together, बोट हम लोग देखेंगे नेयर रिवर, वहाँ पे मैंग्रोव्स है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कोकोनट आइलैंड, देन देयर इज फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इफ यू वॉन्ट टू हैव सम स्नैक्स, then statue is made of sea shells, that's a elephant rock, that's the estuary point, meeting point of Arabian Sea and Nayar River, and Golden Sand Beach. So the charge is Rs. 3000 for two of us. तो हम लोग बोट पे बैठ गए हैं। तो चलिए यहाँ की बैकवाटर्स एंजॉय करते हैं। सो ऑल सेट, वी हैव टू वेयर द लाइफ जैकेट्स। एलएपी में बैकवाटर्स का एक्सपीरियंस और पूवर में बैकवाटर्स का एक्सपीरियंस, इन दोनों में मुझे बहुत डिफरेंस लगा। लेफ्ट साइड में सारे पाइनएप्पल ट्रीज है, ये वाइल्ड पाइनएप्पल्स खाते नहीं है। यहाँ देखिए एक नारियल पानी की दुकान है। ये सारे मैंग्रोव्स है। कभी कभी समुद्र के पानी समुद्र से बाहर आके कहीं और इकट्ठा हो जाता है। ये पानी इकट्ठा होके एक कैनल या लेक जैसा बना देता है। ऐसे पानी को ही बैकवाटर्स कहा जाता है। यहाँ के फॉरेस्ट में अब हम लोग थोड़ा टाइम रुकेंगे। थोड़ा रुक के ये फॉरेस्ट भी देख लिया। तो बोटमैन ने बताया कि यहाँ पे कई फिल्मों के शूटिंग भी होते हैं।
हमारा केरला का 10 दिन का ट्रिप रहा जो हमने कोची से स्टार्ट किया और तिरुवनंतपुरम में एंड किया। हमारे केरला ट्रिप के सारे वीडियोस एपिसोड वाइज मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। सारे एपिसोड्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओह दैट वन, दैट वन, दैट वन, दैट वन। सो ए गुड थिंग अबाउट बैकवाटर्स इज दैट यू कैन सी अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स, और यहाँ पे बहुत लाइक बर्ड्स के चिरपिंग के साउंड सुना जा सकता है। आई डोंट नो इफ इट्स ऑडिबल इन द वीडियो। मुझे ना अभी वो एनाकोंडा मूवी के सीन्स याद आ रहे हैं, ऐसे ही जंगल था। इट्स एन्जॉयबल एट द सेम टाइम इट्स लाइक ए बिट ऑफ एडवेंचरस। यहाँ पे सरोवर पोर्टिको रिजॉर्ट है। हमें रास्ते में बहुत सारे बोट्स दिखे। सो वी कैन सी अ नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स, आइलैंड रिजॉर्ट्स हियर। जी हवा ने तो हमें रिफ्रेश कर दिया। हम लोग ऑलमोस्ट सी के पास पहुंच गए। वो है नैयर रिवर और अरेबियन सी की मीटिंग पॉइंट। ये है पूवर आइलैंड रिजॉर्ट के फ्लोटिंग रूम्स। So that's the Poover Island Resort. आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। आप लोगों को मैं पूरी रिजॉर्ट दिखाऊंगी। वो है एलिफेंट रॉक। उस रॉक का शेप एलिफेंट जैसा है, इसलिए उसका नाम एलिफेंट रॉक है। कितना सुहाना मौसम है और ऊपर से ये ब्यूटीफुल सा व्यू। तो हम लोग गोल्डन सैंड बीच पहुंच गए। That's the Arabian Sea. This place is incredibly beautiful. The cool water of the sea was kissing my feet. यहाँ के सैंड बहुत ही साफ और गोल्डन कलर के हैं, इसलिए इस बीच का नाम है गोल्डन सैंड बीच। लहरों को जितना भी मैं देख रही थी, जितना भी महसूस कर रही थी, मेरा मन ही नहीं भर रहा था। अगर आप लोग केरला विजिट करते हैं तो पूवर जरूर आइए। पीपल ऑफ एनी एज विल लव दिस प्लेस एंड दे कैन एंजॉय हियर। सच बताओ मुझे यहाँ आके बहुत मजा आया।
आके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब केरला का जो भी प्लेसेस हमने विजिट की एक से बढ़कर एक है। अभी जा रहे हैं, वी हैड सम कोकोनट वाटर एट द बीच। सो आने के टाइम हमने ऑरेंज वाला ट्राई किया था, अभी ग्रीन वाला। सो यहाँ पे ग्रीन वाला कोकोनट का 50 रुपीज़ है और ऑरेंज का 60 रुपीज़, और जो हमने रास्ते पे खाया था ऑरेंज वाला उसका था 45 रुपीज़। गोल्डन सैंड। इट्स टाइम टू रिटर्न। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज के बर्ड्स दिखे। आने के टाइम हम लोग सैंडविच तक जिस रास्ते से आए थे, जाने के टाइम हम लोग उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, एक अलग वाला रूट से जा रहे हैं। ये सारे मैंग्रोव्स, नेचर लवर्स के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पानी में से जंगल के बीच से जा रही थी, पूरी मूवी वाली फीलिंग आ रही थी। अब मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बोट में बैठ के जंगल के बीच से जा रही हूँ अभी। हम लोग पहुंच गए। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो दिस इज द पार्किंग एरिया ऑफ पोवर आइलैंड रिजॉर्ट। सो आप लोगों को जो मैंने रिजॉर्ट दिखाया था अभी इस वीडियो में, हम वही जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कंप्लीट रिजॉर्ट का एक टूर कराऊंगी। सो रिजॉर्ट एक आइलैंड पे है, इसलिए हमें यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे बोट आएगा। हम लोग बोट आने तक यहीं पे वेट कर रहे थे। अभी हम रिजॉर्ट की तरफ जा रहे हैं।
पूवर आइलैंड रिजॉर्ट एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है। ये एक आइलैंड पे बना हुआ है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पूरी रिजॉर्ट देख सकते हैं और रिजॉर्ट के सारे डिटेल्स मैंने वीडियो में डाल दिया है। सो वी हैव रीच्ड पूवर आइलैंड रिजॉर्ट। पार्किंग एरिया से यहाँ तक आने के लिए ऑलमोस्ट 15 मिनट्स लगा। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।